हेलो हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और हम ग्रेविटेशन का लेक्चर 2 पढ़ रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कल का कितना है। तो पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कल हमने ग्रेविटेशन स्टार्ट किया था, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ डिस्कस किए थे ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग। तो थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे जो एक्चुअल में ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है जहाँ से वो स्टार्ट होता है। तो अभी जो हमने पीछे पढ़ा वो एक तरीके से रिवाइज वर्जन है, जो आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, स्वाति एक्सीडेंटली ड्रॉप अ ग्लास एंड इट फॉल्स टू अ ग्राउंड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड ग्लास। इफ F1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्ट बाय अर्थ ऑन अ ग्लास एंड F2 इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्ट बाय अ ग्लास ऑन अर्थ, देन F1 इज ग्रेटर देन F2, F2 इज ग्रेटर देन F1, F1 एंड F2 आर इक्वल। F1 एंड F2 आर इक्वल। तो यहाँ पे एक्शन रिएक्शन है कि दोनों जो फोर्स हैं वो इक्वल हैं। और अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ कि A1 एक्सेलरेशन है ग्लास का, A2 एक्सेलरेशन है अर्थ का, तो इसमें से कौन सा एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? A1 A1 ग्रेटर देन A2 होगा एक्सेलरेशन। ये हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था उसको रिकॉल किया है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करते हैं सेंटीपिटल फोर्स की, कि सेंटीपिटल फोर्स क्या है। जैसा हमने पढ़ा कि अर्थ जो है हर एक ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, तो वो हर एक चीज को अपनी साइड पुल कर रही है। अब अर्थ के चारों तरफ जो है मून रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका मतलब अर्थ जो है मून पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होगी। उसके बावजूद, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद भी ये अर्थ के पास नहीं आता है, बल्कि एक सर्कुलर पाथ में मूव करता जाता है। तो जिस वजह से ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, फोर्स को बोलते हैं अर्थ की इस फोर्स को, क्योंकि वो अपने पास नहीं बुला रहा है, बल्कि इस फोर्स के अकॉर्डिंग वो इसको सर्कुलर पाथ में मूव करा रहा है। दिस फोर्स इज नोन एज सेंटीपिटल फोर्स। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन अ मून एक्ट एज ए सेंटीपिटल फोर्स। तो जो अर्थ मून पर फोर्स लगा रही है, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंटीपिटल फोर्स, विच पुल्स द मून टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, मेंटेन द मूवमेंट ऑफ मून इन इट्स ऑर्बिट। सेंटीपिटल फोर्स इज फोर्स दैट इट डायरेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन एंड कीप्स ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ। ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में मूव करता रहता है, और फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अर्थ के सेंटर की तरफ होती है। सेंटीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट कीप्स, और डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, सेंटीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट कीप्स एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ। इट एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल एंड इट इज नेसेसरी फॉर एन ऑब्जेक्ट टू मेन अ सर्कुलर मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में मूव करना है, तो यानी कि उसके पास सेंटीपिटल फोर्स होनी चाहिए, उसके ऊपर सेंटीपिटल फोर्स लगनी ही चाहिए, उसके ऊपर होनी चाहिए सेंटीपिटल फोर्स। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि सिर्फ मून और अर्थ के बीच में सेंटीपिटल फोर्स वर्क कर रही है, या जो बाकी प्लैनेट्स हैं उनके बीच में भी सेंटीपिटल फोर्स वर्क कर रही है? जैसे सन है, सन के अराउंड बाकी प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, अर्थ भी मूव कर रही है, तो क्या इनके ऊपर भी सेंटीपिटल फोर्स, इफेक्टिव फोर्स लगती है? है ना? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि स्पेस में, यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स सर्कुलर मोशन में हैं, जिसके एक्सिस के अराउंड वो सर्कुलर मोशन पे है, वो एक्सिस, वो प्लैनेट, उन पे सेंटीपिटल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उनके ऊपर वो फोर्स लगा रहा है। जैसे सन जो है अर्थ के ऊपर, मार्स के ऊपर, सैटर्न के ऊपर सेंटीपिटल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो वो उस सेंटीपिटल फोर्स की वजह से ही सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। अब आते हैं हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? एवरी पार्टिकल इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल विथ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो हर एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स के अंदर एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स जो है क्या होती है, मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है सेंटर में उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और एक्सप्रेशन में हम एफ को लिख सकते हैं जी एम इंटू एम, या हम इसको M1 M2 भी कर सकते हैं।
एक ऑब्जेक्ट का मास और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास। यहाँ पे मैंने जैसे एक बॉडी ए दिखा रखी है, एक बॉडी बी दिखा रखी है, उनके सेंटर से बी तक की डिस्टेंस डी है, इनका मास कैपिटल एम और स्मॉल एम से दिखा रखा है। आप चाहे तो इसको एम ए एम बी से भी दिखा सकते हो, है ना। ये नोटेशंस आपके ऊपर है कि आप मास को किस उसमें शो कर रहे हो। इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास के प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जी क्या है, जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और ये हर एक बॉडी के लिए सेम होता है, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम होता है। तो एक बार देख लेते हैं डिफाइन करके, उसकी डायरेक्शन भी, डायरेक्शन क्या होती है, इधर से इधर डायरेक्शन लगेगी, इधर से इधर, हर दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे पुल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो हमने यहाँ दो ऑब्जेक्ट ले लिए, लेट ऑब्जेक्ट ए एंड बी मास एम एंड एम लाई ऑन अ डिस्टेंस डी फ्रॉम ईच अदर, लेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू इज एफ अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, क्या है, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, मतलब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एम इन टू एम के, एंड द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d². इन दोनों को कंबाइंड किया, ठीक है, इन दोनों को कंबाइंड किया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो कॉन्स्टेंट आ गया, जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, अगर हमें इसकी यूनिट दिखानी है तो हम क्या करेंगे, बाकी से हम दूसरी साइड ले जाएंगे, तो एफ डी स्क्वेयर एम इंटू एम हो गया। यहाँ पे हर एक की यूनिट्स रख देंगे, तो एफ की यूनिट होती है न्यूटन, डी की यूनिट डिस्टेंस है मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया, मास ये भी मास है, ये भी मास है, केजी, और ऊपर चला गया तो माइनस, इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस टू। एफ न्यूटन है, ठीक है, डिस्टेंस मीटर में है, मास केजी में है, और दो मास है तो दो बार लिख देंगे। तो एक तरीके से हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, और केजी को कोई बार ले जाना हो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हाँ, और ग्रेविटेशन की जो वैल्यू है वो हेनरी कैडविश ने फाइंड की थी, और ये इक्वल होती है 6.673 × 10⁻¹⁻ माइनस इलेवन। अब माइनस इलेवन कैसे याद रखेगी तन्नी, इलेवन याद रहेगा क्यों, मम्मी पढ़ा रही है, 10 की बाल वाली वैल्यू है। 10 के बाद वाली वैल्यू, और मम्मी पढ़ा रही है, मम्मी का बर्थडे 11 में होता है, बहुत सिंपल है। ये यूट्यूब पे डालने ही बनो करना नहीं बिल्कुल डालूंगी, याद रखना, 11 को बर्थडे होता है, और 11 जो है 10⁻¹⁻ याद रखना। चलो अच्छा ठीक है, 10⁻¹⁻ याद रखना इसको। इट इज अट्रैक्टिव, जो ये फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगी। आज अट्रैक्टिव फोर्स है, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी होगी। उतनी ही कम होती जाएगी, और बढ़ मास इंक्रीज होने पर बढ़ेगी, डिस्टेंस इंक्रीज हो डिक्रीज होने पे बढ़ेगी, डिस्टेंस जैसे जैसे कम होगी अट्रैक्शन बढ़ेगा, इंक्रीजेस विद मास, मास जैसे बढ़ रहा है वैसे इंक्रीज होगी, और डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी डिक्रीज होगी, और इंक्रीज होगी जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी। चलो अब कुछ एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, क्योंकि ये जो लॉ है ग्रेविटेशन लॉ, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, कैसे करेंगे, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपको घर से करने के लिए दूंगी, नहीं होंगे तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में उनको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, नोटबुक में करो इसे, आंसर मुझे आपसे चाहिए। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाना। द मास ऑफ अर्थ, ये वैल्यू याद ही रखना, मास जो है अर्थ 10⁻²⁴ kg, ठीक है। द मास ऑफ मून 7.4 × 10²² kg, ये धरती से थोड़ी काफी कम है, ये 22 है, ये 24 है। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज 3.84 × 10⁵ किलोमीटर, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्ट बाय अर्थ ऑन मून, और जी की वैल्यू हमें क्या रखनी है फिलहाल,
6.7 × 10⁻¹⁺ क्या है पता तो है, अब मुझे कैलकुलेट करके दिखाओ नहीं कितने। लिख हाँ सकती बनारस आप मत लिखो, मैं यहाँ पे इससे बता अच्छा है देती हूँ स्टूडेंट्स को कि सॉल्यूशन कैसे करेंगे। पहले आपको जो गिवन है आप वो लिखेंगे, क्या क्या चीज गिवन है। मास ऑफ अर्थ गिवन है, लिख दिया हमने 6 × 10⁻²⁴ kg। मास ऑफ मून गिवन है, दोनों के बीच में डिस्टेंस दी है 3.84 × 10⁻²⁴ किलोमीटर, लेकिन ये किलोमीटर में दी है और मीटर में होती है डिस्टेंस। तो इस किलोमीटर को हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 10⁸ हो जाएगा। जी की वैल्यू 6.7 × 10⁻¹⁺ न्यूटन मीटर स्क्वेयर केजी सिक्स पॉइंट इनवर्स सेवन टू है। ले सकते आप 6.67 ले लो, लेकिन क्वेश्चन में गिवन गिवन है, जब क्वेश्चन में गिवन होता है तो हम वही लेते हैं। 6.67 भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक ठीक है है, कैलकुलेशन के लिए इजी होता है। फ्रॉम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, फोर्स एग्जर्ट बाय अर्थ ऑन मून, फॉर्मूला है एफ इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वेयर। अब इसे कैलकुलेट करके बताओ। एक मिनट 11 11 4 17 नहीं था हाँ तो गलती समझ में आ गई, तो गलत है ना हमारा नहीं आंसर, तुम्हारा आंसर गलत है। देखो मैं दिमाग आया रिकॉर्ड फिर हाँ करो इतने, मैं तो से डाल तुम इनटू करो, मैं इतने इतने कर रही हूँ ना स्टूडेंट्स, बाकी कुछ बता देती हूँ। तो एफ इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, जी की वैल्यू थी 6.7 × 10⁻¹⁺, एम की वैल्यू थी 6 × 10⁻², तो आ रहा है 2.02 × 10⁻²⁰ न्यूटन। तो इसे करके देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट्स का निकल नहीं रहा है हमारे। हो जाओ करो फिर। अच्छा तो आई हेट मैथ्स आपने इसका आंसर कैलकुलेट कर लिया होगा, तो आ रहा है 2.02 × 10⁻²⁰। कौन सी गलत है, नहीं करते हैं न्यूटन इतना ही आ रहा है। लेकिन बोलिए वाले चाहिए थे एन मीटर स्क्वायर इंटू केजी स्क्वायर वो जी की वैल्यू होती है, इतनी फिर तुम जी कर रहे देर हो में ही भूल गई, चल वो कंटिन्यू जी निकाला था न्यूटन। कंटिन्यू नहीं अब सुनना पड़ेगा, फोर्स की वैल्यू, फोर्स की जो यूनिट होती है दैट इज न्यूटन, वो जी की वैल्यू है जो कि आई थी न्यूटन। मैं सैक्रिफिशियल लंगा बनने में तैयार हूँ कंटिन्यू करो पर पता है याद आ गया मीटर स्क्वायर के जी इनवर्स, ऐसे नहीं करो आवाज, तो मैं कितना कट करूंगी उसको फिर, ठीक है। द फोर्स एग्जर्ट बाय द अर्थ ऑन मून इज 2.02 × 10⁻²⁰ न्यूटन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। द डिटरमाइन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ, मास मैंने कहा था अर्थ का याद कर लेंगे, 6 × 10⁻²⁴ kg, 400,000 kg का एलिफेंट है सी लेवल पे, और बेचारा अर्थ के सेंटर से उसकी जो डिस्टेंस है वो 6.4 × 10⁻⁶ मीटर है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू 6.7 × 10⁻¹⁺ ही है, तो आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो सेम क्या गिवन है ये वाला क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, उसके बाद सिर्फ आपको सॉल्व करने में एग्जाम्पल्स दे दूंगी, ठीक है। तो मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻²⁴ kg, मास ऑफ एलिफेंट 4,000 kg, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड एलिफेंट 6.4 × 10⁻⁶ मीटर, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू 6.7 × 10⁻¹⁺ न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी माइनस टू, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट बाय अर्थ ऑन मून इज एफ इक्वल टू जी एम इंटू एम डी स्क्वायर। हम इसको कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है, तो प्लीज इससे कंफ्यूज मत होना। जी एम अर्थ इंटू एम एलिफेंट एलिफेंट है ना, या हम इसको कर सकते हैं ए इन बी। तो क्या लिखा है ये आपके ऊपर है, आप कैसे इस एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं। वैल्यूज पुट करिए और इसका आंसर निकाल के दिखाइए, इसका तो दिखा दो, इसकी तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान है, पहले वाले की तो आपका आया नहीं। अब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आप सबसे पहले गिवन वैल्यू लिखिए, उसके बाद फॉर्मूला यूज लिखिए और वैल्यूज पुट करिए। अगर आप इतना भी करके आ पा रहे हैं तो आपको तब भी नंबर मिलेंगे, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 4 मार्क्स मिलेंगे। आंसर निकाल देंगे और यूनिट सहित लिख देंगे
तो पूरे नंबर हो जाएंगे। बस अब आपको कैलकुलेशन करनी है, करिए। सबसे पहले तो क्या करो, जितने भी पावर्स हैं उनको एक साथ ले जाओ। गुड आइडिया बट डोंट टीच मी आई नो हाउ टू इसको डू हम लिख दिस। सकते हैं 4 × 10³। ठीक है, तो सारी पावर्स को एक साथ ले जाओ, तो 10³ कैलकुलेट करो, 64 ये हो गया 12। तो इनटू 4 इनटू -11 -12 +24 +3, ये इसकी पावर्स है। -23 +24 +3, तो पावर आ रही है 6 इनटू 4 अपॉन 6.48 4 +4, पावर आ रही है 10 की, तो 10² आ रहा है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, आवाज 5.12 आएगा। तो ये हो गया एक तरीके से 20.1 अपॉन 5.12 × 10²। आ रहा है करो अब इसे, पांच 6 प्लस पे आ एकम 5, 5 10, 5 या 15, 3 आ रहा है सीधे सीधे, 3.9 के करीब आ रहा है, दिख तो रहा है। मैं इसको यहाँ क्लियर कर रही हूँ फिलहाल, और आंसर बता रही हूँ। क्लियर ऑल साइड? तो आपने वैल्यूज पुट कर दी होंगी मेरे साथ में, इसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है कैलकुलेशन में, बट उम्मीद करती हूँ कि आपकी पॉइंट्स कैलकुलेशन हो गई होंगी। ठीक मैं पॉइंट्स है, पॉइंट्स में वैल्यू क्योंकि कैलकुलेट करनी पड़ रही है तो इन्हें थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट प्रैक्टिस करिए तभी आंसर आ पाएगा। तो इसका आंसर है 3.9 × 10²⁴ न्यूटन, और 10²⁴ तो सीधा इनको जब कर रहे हैं तभी आ जा रहा है। ये क्या बन रहा है यहाँ पे, 10²⁰ हो जा रहा है। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू तो इसको मैं एक बार लिख देती हूँ, पता लगा आप ये भी नहीं लिख पा रहे हो। तो 6.7 × 6 × 4, और 10² कैसे लिख सकते हैं, -11 +24 +3, और नीचे 10² क्या बन रही है, 6.4 × 6.4, और 10²⁰, ये 12 भी ऊपर चला जाएगा। ये एमसीक्यू है, इसको और कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस में आपको देके जा रहे हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ नीचे लाइक कर देते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ो, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स है वो एफ है, और इफ द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर हाफ, दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास है वो हाफ कर दिया विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम वुड बी, क्या होगी। दो मास दोनों को हाफ कर दिया, लास्ट टू ऑप्शंस पॉसिबल तो ऐसे जाके तो बोल रहा तो मास क्या कौन नहीं हो बिल्कुल सही, 4 हो जाएगा, तो यानी कि F/4, ऑप्शन ए। क्या कहा, मास जो एम एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम इंटू एम के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी स्क्वायर के, डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रही, मास चेंज हो रहा है, तो यानी कि जो मास चेंज किया हमने, कितना चेंज किया, बाई 2, बाई 2। फोर्स फोर टाइम्स फोर्स रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, क्या करिएगा आप, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। करके वीडियो पॉज करके, हाँ, इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करिएगा, इन्हें सॉल्व करिएगा, नहीं सॉल्व हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा, तो हम डिस्कस कर लेंगे। इम्पोर्टेंस क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ की थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो मून और सन है जो ग्रेविटेशनल पुल लगाते हैं, तो जो टाइड्स होते हैं ओशंस में वो उस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होते हैं। फिर ऑर्बिटिंग अ सैटेलाइट, जो सैटेलाइट्स ऑर्बिट में मूव कर रही हैं वो क्या है, ड्यू टू बैलेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल पुल एंड देयर इनर्शिया, उन दोनों के बीच में जो बैलेंस है। द फोर्स दैट बाइंड अस टू अर्थ, अर्थ हमें बाइंड करके रखी हुई है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, ये सारा जो है इम्पोर्टेंस है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ का। तो क्या टॉपिक रह गया अब हमारा,
अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ग्रेविटी।